गुड मॉर्निंग। सो कल दोपहर के आसपास नीट वालों ने एनटीए ने आंसर की भी लाइव कर दी है, और वो आपको वैसे वेबसाइट पे नज़र नहीं आएगी, उसके लिए आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा, और हर एक स्टूडेंट के लॉगिन के अंदर वो आंसर की आपको दिखाई दे जाएगी, और उस आंसर की से आप अपनी ओएमएस शीट को मैच कर सकते हैं, वो भी उन्होंने अपलोड कर रखी है। देखिए, इसके अलावा एनटीए दो ऑप्शन हमेशा देती है कि अगर आप किसी आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो पूरी प्रोसेस अंदर है, और आपको लगता है कि आपने कुछ और लिखा था ओएमआर में और जो स्कैन होकर नज़र आ रहा है वो कुछ और नज़र आ रहा है, तो आप अपनी ओएमआर शीट के आंसर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। मतलब चेंज नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हैं कि मुझे याद था कि मेरा आंसर कुछ और है और आप जो दिखा रहे हो वो कुछ और है। तो ये फैसिलिटी एनटीए देता है, और साथ में ऑफकोर्स अगर आपको किसी आंसर को चैलेंज करना है कि जो एनटीए आंसर बता रहा है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, 1000 रुपीज़ वो लेते हैं जब आप एनटीए के आंसर को चैलेंज कर रहे हैं, 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन आप लेते हैं जब आप अपनी ओएमआर को चैलेंज कर रहे हैं जो वो दिखाई दे रही है। लेकिन मुद्दे की बात इस चीज़ से शायद यही है कि जो हम पहले कह रहे थे कि बहुत ढीला चल रहा था, लेकिन मैंने भाई सबको अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि 20 अक्टूबर एक बेंचमार्क लेके चलिए, तो आज अगर कल तक इन लोगों ने आंसर की चैलेंज की ऑप्शन दी है, जो कि सब कुछ ऑनलाइन होना है तो सॉफ्टवेयर से बहुत जल्दी हो जाएगा, और वही मैं मान के चल रहा हूँ कि अब 20-21 अक्टूबर शुड बी द डेट, तो रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए, आपको आपके मार्क्स का तो पता चल ही है, तो आपको ये पता है कि आप ब्रॉडली कहाँ खड़े होने वाले हैं। द ओनली कन्फ्यूजन विच इज़ रिमेनिंग, जो कोई भी कोर्सर पहले प्रिंट नहीं कर सकता, कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी होने वाली है। हवा यही है कि लास्ट ईयर के मुकाबले पेपर टफ था, तो हम मान सकते हैं कि शायद 2019 के लेवल का होगा, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ्स हैं वो सारी 15 से 20 मार्क्स के करीब गिरनी चाहिए। तो जो भी आपके मार्क्स लास्ट ईयर थे और उसके हिसाब से जो ऑल इंडिया रैंक थी, उससे हम ये मान के चल सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक इम्प्रूव होगी। मैं बहुत ही एग्जैक्टली बताऊँ, मेरे किसी स्टूडेंट के लिए कल बात हो रही थी कि भाई लास्ट ईयर अगर 350 मार्क्स पे 250,000 रैंक थी, तो आप ये मान सकते हैं कि इस बार 220,000 रैंक हो सकती है। तो उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजीज, आपके प्राइवेट कॉलेज के एडमिशंस या गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशंस, ऑल दोज थिंग्स कैन बी डिफाइंड। तो आप इसके हिसाब से देखिए, बेस्ट विशेज, और एज सेट की बस अब 2-3 दिन ही बचे हैं बिफोर द एक्चुअल MBBS एडमिशन प्रोसेस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, वंस यू गेट योर ऑल इंडिया रैंक एंड कैटेगरी रैंक। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब रिजल्ट आ जाता है, ऑफ कोर्स अदर देन योर डोमिसाइल, ये तीन चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं MBBS इंडिया एडमिशन में। आपके स्टेट के डोमिसाइल हो, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी कैटेगरी रैंक क्या है। तो बेस्ट विशेस, कीप वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब ताकि आपको ये अपडेट, और अपडेट से ज़्यादा आपको अंदर का एनालिसिस मिलता रहे। धन्यवाद।